आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मूंगफली के अप्पो की रेसिपी, जिसको आपको खाकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। व्रत में आप इसको एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नवरात्र आने वाले हैं और हम हर दिन 9 दिन नवरात्र रखेंगे और कोई ना कोई हम डिश बनाते हैं, लेकिन एक ही डिश हम बार बार खाकर बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए नवरात्रों में एक बहुत ही अनोखी डिश लेकर आई हूँ जो शायद आपने आज तक नहीं बनाई होगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया, एक मिर्च हरी मिर्च को मैंने काट लिया है और मेरे पास ये सूखा हुआ धनिया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। 50 ग्राम मैंने मूंगफली ली है और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, ये व्रत का नमक, सेंधा नमक है, जीरा पाउडर, साबुत जीरा, एक चम्मच मैंने ये साबुदाने का पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर और उबले हुए आलू। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, और आप साबुदाने के पाउडर की जगह पर आप समा के जो चावल आते हैं उसको पीस कर भी यूज कर सकते हैं। ये हमें 1 या 2 चम्मच ही चाहिए जिससे हमारी जो रेसिपी बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। जो भी हम इससे डिश बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनेगी, और इसको हम बहुत ही कम घी और तेल में बनाएंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में 1 से 1.5 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जो हमारा अच्छे से बॉइल हो गया है, इसमें हम ये मूंगफली डाल देंगे। ये हम उबाल कर यूज करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि जो मूंगफलियों के अंदर जो नमक है वो अच्छे से चला जाए, और उसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। जब हम इस तरीके से इस डिश को बनाएंगे तो इतनी लाजवाब लगेगी कि आप इसका टेस्ट जो है भूल ही नहीं पाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर देखिएगा। और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। ये देखिए 4 मिनट के बाद जो हमारी मूंगफली है वो थोड़ी सी फूल गई है और ये अच्छे से बॉईल हो गई है। इनको हम इस तरीके से अगर हाथ से भी दबाकर देखेंगे तो ये बहुत आराम से टूट रही है। इनको अब हम छान लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखिए मैंने इन मूंगफली को इस तरीके की छन्नी पर रख दिया है और मैंने इनको ठंडे पानी से धो दिया जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। आप चाहो तो इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अपने आप रूम टेम्परेचर पर भी आने दे सकते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें हम ये मूंगफली डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसको आप व्रत में भी बना सकते हैं और कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसको बिना व्रत के अगर बना रहे हैं तो आप इसमें इसको में प्याज डालकर भी बना सकते हैं, पर मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें प्याज का यूज नहीं करूंगी। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। आप ध्यान रखिएगा जब हमने मूंगफली को बॉईल किया था हमने तब भी नमक का यूज किया था। अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, मैंने जीरे को मिक्सी में बस पीस कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर भुने हुए जीरे का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा साबुत जीरा, अदरक, हरी मिर्च और धनिया, सब चीजों को हम डाल देंगे। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब देखिए मैंने यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो इनको अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। अब इन उबले हुए आलूओं को हम इसमें डाल देंगे, और मैं ये 1 चम्मच जो हमने साबुदाने का पाउडर बनाकर रखा था वो भी डाल देंगे, और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू जो हमने इसकी बाइंडिंग के लिए डाले हैं जिससे कि इसमें बाइंडिंग आ जाए। फ्रेंड्स आप मूंगफली को बॉईल करके भी खा सकते हैं, ये आपको पूरा दिन बहुत ही ज्यादा एनर्जी देगी और ये आपको बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होने देगी। तो आप इसको बॉईल करके भी खा सकते हैं मूंगफली। अब मैंने सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे, आप जो भी व्रत में यूज करते हैं, और इसकी छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेंगे। मैं बहुत छोटी छोटी बना रही हूँ। आप इनको कभी भी फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनको फ्राई करके बनाएंगे तो ये तेल में जाके फट जाएंगे। तो हम इसको अप्पे पैन में बनाएंगे।
जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत ही कम कॉस्ट पे। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसकी सारी बॉल्स बना लूंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों को हर बार ग्रीस करना, नहीं तो ये आपके हाथों पर ही चिपक जाएंगे। और हम इसके बॉल्स बनाते जाएंगे। अबे देखिए, मैंने यहाँ पर अपे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया और उसमें थोड़ा थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। अगर आप रिफाइंड में बनाना चाहें या व्रत में, जो भी आप घी या तेल खाते हैं उसमें भी बना सकते हैं। अब हम एक एक लेंगे और इनमें रख देंगे। सारी इसी तरीके से मैं अपे पैन में रख दूंगी और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। बहुत हाई फ्लेम हमें इसकी नहीं करनी है। अबे देखिए, मैंने सारे अपे पैन में इन बॉल्स को रख दिया है और हम इसको ढककर अब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, जब एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसको दूसरी तरफ से भी पलट कर सेक लेंगे। अब देखिए, पूरे 3 मिनट हो गए हैं। हम इन अपों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक तरफ से बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसी तरीके से हम अब इनको अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। मैंने इसमें बहुत ही कम घी तेल का यूज किया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये इतने टेस्टी लगते हैं कि आप इसको पूरे नवरात्रों में बनाकर खाएंगे और बिना नवरात्रों के भी आप इसको जरूर बनाकर खाएंगे। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, इनको दूसरी तरफ से भी सेकते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो हमारे अप्पे हैं वो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और करारे हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको सर्व कर लेंगे। ये इतने टेस्टी लगता है। जब इसमें मूंगफली आप जब मुंह में आएगी ना, आप इसको खाओगे तो आपको खाकर मजा आ जाएगा। आज तक आपने ये रेसिपी कभी भी ट्राई नहीं की होगी, एक बार आप इसको जरूर ट्राई कर देखिएगा। ये देखिए, मैंने इन मूंगफली के अप्पों को सर्व कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए। इनको आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, सौंठ के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और आपको खाकर बहुत ही पसंद आने वाले हैं। एक बार अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरे ये मूंगफली के अप्पे बनाने का जो तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।